दोस्तों टेक्नोलॉजी और सिंधी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम स्प्लिट कंपनी को स्प्लिट कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हम कई बार साल खत्म होने के बाद नई कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए स्प्लिट कैसे करते हैं दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले कंपनी ओपन जो ऑप्शन आता है कंपनी का उसके अंदर हम स्प्लिट कंपनी के अंदर जाएंगे। दोस्तों कंपनी का जो ऑप्शन आता है उसके अंदर स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर में जाके ये जो हमारी कंपनी है इसमें 4 साल एक साथ है तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। पासवर्ड डाल रखा है हमने, हम देखो दोस्तों उसमें आ रहा है फाइनेंशियल 2018-2019 और 21 और 22 हमने नई खोली है। आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबोव फाइनेंशियल, मतलब इसको स्प्लिट होने के बाद पुरानी कंपनी में से 21-22 का डेटा हट जाएगा। तो उसको हमने यस कर दिया दोस्तों, ये हमने यस कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। कंपनी नई क्रिएट हो गई 001 करके। अब हम वापस कंपनी ओपन करेंगे तो दोस्तों ये 001 जो पुरानी कंपनी थी उसमें से स्प्लिट हो गई और पुरानी कंपनी में से हट गई। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, पासवर्ड डाल दिया हमने और ये कंपनी ओपन हो जाएगी दोस्तों। ये ओपन हो गई दोस्तों, नीचे देखिए आप 2021 और 22, तो ये कंपनी स्प्लिट हो गई दोस्तों। एक तो ये तरीका होता है कंपनी स्प्लिट करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जो भी फोल्डर टैली का बना है उसमें एक डेटा फोल्डर होता है। अब इस डेटा फोल्डर में जितने भी साल आपके हैं वो एक ही फोल्डर के अंदर आए हुए हैं। तो अब हमको क्या करना है, कंपनी के नाम से फोल्डर बनाना है। जैसे ये 2020-21-22 हमने अलग किया था, कंपनी 001 के नाम से अलग हो गया। अब हमको उसको इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है। अब फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं लेकिन COMP लिखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले 2018 का डेटा स्प्लिट करेंगे, COMP 2018। तो हम उस फोल्डर का नाम रखेंगे COMP 2018। तो ये हमने COMP 2018 नाम रख दिया, इसको कैप्स लॉक में कर देते हैं, हमने छोटे अक्षर में लिख दिया है COMP 2018। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जाके BD.BDS और जो सन हमको लेना है वो दोनों को साथ उठाएंगे। ये हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब हम टैली को वापस रन करेंगे तो आप इसमें से हमने इसको जो 2018 की फाइल है उसको डिलीट मारेंगे, BD.BDS को नहीं मारना, ये ध्यान रखना आप। अब हमने ओपन किया दोस्तों, ये देखो नई कंपनी खुल गई है, कंपनी 2018, और पुराने वाले में से 2018 गायब हो चुकी है। उसी तरह से अगर हमको और फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करने हैं तो हमको वापस हम उस फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर में जाके जो सेम हमने किया उसी तरह से हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे। अब हम बनाएंगे कंपनी 2019, जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है उसी नाम से फोल्डर बनाना चाहिए 2019। अब हम उसमें से जाके ये BD.BDS और 2019 हमने उठा लिया, इसको कॉपी कर लिया और इस नए फोल्डर में हमने डाल दिया। अब हम वापस जब कंपनी ओपन करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये देखो दोस्तों पुराने में सेट गया। तो इस तरह से आप डिजी के अंदर अपनी कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसे लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे कंपनी अलग अलग हो चुकी है दोस्तों। थैंक यू।